पनामा फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में पहला मैदान। चुने गए खिलाड़ी सुनाएंगे कप्तान, पनामा का हंगामा भी सुनाई देगा। पेशकश पर भी होंगे धुआंधार खिताब। इमरान खान कहते हैं 10 अरब रुपए तो इब्तदाई पेशकश थी पनामा। मैट्रिक के बाद इंटर के इम्तिहानात में भी बेजाब्तियां, घपले और डाहली का सिलसिला जारी। कराची और सखर बोर्ड के जेरे एहतमाम, इंटर के इम्तिहानात में बद इंतजामी उरूज पर। कराची में उर्दू और सखर में फिजिक्स का पर्चा आउट। इम्तिहानी सेंटर के बजाय फोटो स्टेट की दुकानों पर मिलता रहा पर्चा। मनसूख नहीं करेंगे, तहकीकात करेंगे। चेयरमैन कराची बोर्ड इनामुल हक की अनोखी मंतव। शाल कत्ल केस के मजीद 5 मुल्जिम गिरफ्तार, तादाद 47 हो गए। डीपीओ मर्दान का कहना है कि 49 में से 47 मुल्जिम गिरफ्तार हो गए। दो मुल्जिमान की कबायली इलाकों में रुपोश होने की इत्तला है। रावलपिंडी में मेट्रो स्टेशन पर बस से गिरकर लड़की जा बहक। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक हादसा बस को इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाइस पेश आया। ब्रेक ट्रैक पर मुरम्मती काम के बाइस लगाई गई। जा बहक होने वाली 19 साल लड़की की शराख सुमेरा के नाम से की गई। जमात इस्लामी भी लोड शेडिंग के खिलाफ मैदान में आ गई। फेस्को हेडक्वार्टर के बाहर धरना दे दिया। बिजली के बिल फाड़ दिए, जला दिए। कारकुनान की बड़ी तादाद और मकामी रहनुमाओं की शिरकत। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए, शुरका का मुतालबा। लोधरा में भी जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। तैयबा तशद्दुद केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल। तैयबा पर तशद्दुद का राजा खुर्रम और अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। तैयबा के वालिदैन ने फर्द जुर्मायद करने को चैलेंज कर दिया। एक बार फिर सुलहनामे में अदालत में जमा करा दिए गए और दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी। 5 मई तक जवाब तलब। अपोजिशन का दबाव मुस्तरद। वज़ीर आज़म तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के लिए चारों सूबों में जाएंगे। नवाज शरीफ कल रिनाला खुर्द में गंदम की कटाई का इफ्तिताह करेंगे। नवाज शरीफ ओकाड़ा में जलसा आयाम से खिताब भी करेंगे। नून लीगी अरकीन पार्लियामेंट को अपने अपने हलकों में जलसों का इंतजाम करने का टास्क मिल गया। सरकारी स्कीम के तहत कंप्यूटराइज हज कुरंदाजी आज हो रही है। कुरंदाजी के जरिए 1,07,526 खुशनसीबों का ऐलान किया जाएगा। रवा साल मजमू तौर पर 3,38,682 दरखास्तें जमा कराई गई। कराची में हब चौकी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स हलाक। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जा बहक। पुलिस की कार्रवाइयां, स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 3 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमों के कब्जे से असलहा और मनशियात बरामद। ऑरेंज ट्रेन बदउनवानी की इंक्वायरी मुकम्मल। कॉन्ट्रैक्टर और नेस्पाक बास इंजीनियर जिम्मेदार करार। पिलर्स नंबर 358 और 359 की बुनियादें मुकर्रर गहराई से कम तामीर करने पर 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ। रोजनामा डाची न्यूज में इंकशाफ। शुमाली कोरिया के साथ बड़ी जंग छिड़ सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुमाली कोरियन हुकूमत के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम पर तहफ्फुज़ात हैं। चीनी सदर मामला हल करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। गर्मी के सताए लोगों के लिए खुशखबरी, बारिशों का नया सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। बादल बरसेंगे, बिजली कड़केगी, तेज हवाएं चलेंगी। कहीं होगी खुलकर बारिश तो कहीं पड़ेगी फुहार। महकमा मौसमियात ने नवी सुना दी। जून तक बिग थ्री डूब जाएगा। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान का कहना है कि जून तक बिग थ्री डूब जाएगा। बिग थ्री से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हमारा भारत से सीरीज खेलना जरूरी था। आईसीसी का नया आइन जून में दोबारा पेश किया जाएगा। 3 एसोसिएट ममालिक को भी वोटिंग राइट मिल जाएगा। अर्जेंटाइन में सजा मोटर रैली का दिलचस्प मेला। दुनिया भर से ड्राइवर्स की रेस में शिरकत। एक दूसरे पर सबकर ले जाने के लिए ड्राइवर्स ने खूब जान मारी। टाइटल फिनलैंड के मैट वाटोला ने अपने नाम किया।
जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। कैंसर में मुब्तला मुस्तकामत की हामिल बच्ची का जोकर्स के साथ डांस। 10 साल की डैरल की वीडियो यूट्यूब पर 55 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।